आपके पास जो है YouTube का न्यू चैनल है और शॉर्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं, लेकिन आप जो ये सीटिंग नहीं की है, ना ही आपको जो है कोई बताया होगा। ओके, सो आइए इसी चीज को हम यहाँ पे इस वीडियो पे जानेंगे। सके गाइस, यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज आपको यहाँ पे शो ऑफ हो रहा है। सो अगर आप भी एक न्यू चैनल पे काम कर रहे हैं, यानी शॉर्ट चैनल आप जो है ओपन किए हैं, उस पे जो है काम कर रहे हैं, सो उसपे क्या होता है, व्यूज व्यूज आपको जो है ज्यादा जो है देखने को नहीं मिल रहा है। सो इस हाल में गाइस क्या करना होगा, यहाँ पे जो सेटिंग बताने वाला हूँ, ये सेटिंग आपको करना होगा। जो न्यू चैनल रहता है वो सेटिंग आपको करना होता है अगर आप नहीं किए हैं तो। ओके, कौन सा सेटिंग है, कैसे क्या करना होगा, वो चीज मैं आपको बताऊंगा। सो इसलिए गाइस आपके डिवाइस में आपको क्या करना है, प्ले स्टोर पे जाना है। प्ले स्टोर से आपको जो है YT स्टूडियो, ये एप्लीकेशन आपको अपने डिवाइस में इंस्टॉल जरूर कर लेना है। अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं, सो हो सकता है कि पहले से आप जो इस एप्लीकेशन को यूज कर रहे हैं, सो इसी से आपको यहाँ पे सेटिंग करना होता है, जिसके बाद जो आपका चैनल जो है बहुत ही फास्ट यहाँ पे ग्रो हो जाएगा। शॉर्ट जो वीडियो अपलोड करोगे सो बहुत ज्यादा उसमें व्यूज आने लगेगा। सो इसलिए ये सेटिंग आपको करना होगा अगर व्यूज आप लेना चाहते हैं तो। सो आपको क्या करना है, बस इसी जो YT स्टूडियो एप्लीकेशन देखने को मिलेगा, इसे आपको ओपन कर लेना है। अगर पहले से आपके पास है सो इसी एप्लीकेशन को आपको अपडेट जरूर कर लेना है। सो जैसे ही ओपन करोगे इस तरह से आपको देखने को मिलेगा, नीचे की ओर आपको देखने को मिलेगा कंटेंट, बस इसी कंटेंट पे आना है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे आपके सामने एक जो है पेज जो है ओपन होकर आ जाएंगे, देख सकते हैं कुछ जो है इस टाइप का आपको यहाँ पे शो ऑफ हो जाएगा। ओके, यहाँ पे मेरा लॉन्ग चैनल है ये, लेकिन आपका जो शॉर्ट चैनल है उसी वो सेटिंग यहाँ पे आपको करना है जो यहाँ पे बता रहा हूँ। सो इस तरह से आओगे यहाँ पे साइड की ओर आपको देखने को मिलेगा फिल्टर का ऑप्शन, बस इस पे आना है, इस पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे इस तरह से एक पेज जो है छोटा सा आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट में आपको देखने को मिलेगा फिल्टर शॉर्ट वाइज, सो आपको क्या करना है, इसमें आपको जो है देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे आपको क्या करना है, मोस्ट व्यूज पे आपको क्लिक कर लेना है, मोस्ट व्यूज पे आपको टिक कर लेना है। अब आपको क्या करना है, नीचे की ओर आना है, विजिबिलिटी का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, पब्लिश प्राइवेट अनलिस्ट। ओके, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट वाला पे आपको चूज करना है, फर्स्ट वाला बॉक्स पे आपको टिक करना है पब्लिश करके। इससे क्या होगा, वीडियो आप जो है अपलोड करोगे सो पब्लिश हो जाएगा, उससे ज्यादा व्यूज आने लगेगा। तो इस तरह से करना है। उसके बाद आपको जो देखने को मिलेगा व्यूज का ऑप्शन, अब आपको क्या करना है, मोर देन पे अगर टिक लगा रहे तो सही है, अगर यहाँ पे लेस देन पे टिक लगा रहे तो आपको क्या करना है, फर्स्ट वाला पे मोर देन पे आपको क्लिक कर लेना है। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा सिलेक्ट करना है, और यहाँ पे देखने को मिलेगा रजिस्ट्रेशन। सो यहाँ पे आपको क्या करना है गाइस, यहाँ पे हो सकता है कि आपको यहाँ पे मेड फॉर किड्स पे जो है टिक लगा के रखे हैं, सो यहाँ पे सेट टू मेड फॉर किड भी आपको जो है टिक लगा के रखे हैं। सो लेकिन आपको क्या करना है, थर्ड वाला ऑप्शन पे यहाँ पे देखने को मिलेगा नॉट मेड फॉर किड, अगर यहाँ पे ये ऑप्शन हो गया, अगर बच्चे को अगर दिखाना चाहते हैं तो फर्स्ट वाला पे आपको टिक करना है। उससे क्या होगा कि सिर्फ जो है बच्चे जो है वही देख सकता है, जो अडल्ट पर्सन रहेगा उसके सामने जो है वीडियो नहीं जाएगा। सो आपको क्या करना है, नॉट मेड फॉर किड पे आपको टिक करना है। सो यहाँ पे ये सेटिंग आपको इस तरह से अच्छे से एक बार दिख लेना है। इसके बाद और भी एक सेटिंग रहता है वो भी आपको जरूर कर लेना है, पहले आपको ये सेटिंग करना है। आपको क्या करना है, अप्लाई पे आपको क्लिक कर लेना है, अप्लाई पे क्लिक करोगे ये जो सेटिंग आप किए थे वो यहाँ पे सेव हो जाएगा। ओके, अब सेव होने के बाद अब आपको यहाँ पे क्या करना है, नीचे पर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा एनालिटिक, यहाँ पे कमेंट का ऑप्शन, बस इस पे आना है, कमेंट बॉक्स पे आपको क्लिक कर लेना है। जैसे इस पे क्लिक कर लेते हैं जो है इस तरह से आएगा ऊपर की ओर, फिर से यहाँ पे फिल्टर वाला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, कमेंट का वो जो अलग था। ओके, सो इस तरह से आएगा, अब यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, यहाँ कमेंट टाइप आपको देखने को मिलेगा। सो यहाँ पे क्या होता रहा है कि पब्लिश हेड फॉर रिव्यू, सो यानी क्या होता है कि कमेंट जो आपके पास यहाँ पे जो आ रहा है उसे आप पब्लिश रखना चाहते हैं या फिर हाइड रखना चाहते हैं। अगर पब्लिश रखने चाहते हैं फर्स्ट ब्लॉक पे आपको टिक नहीं देना, इससे क्या होगा कोई भी कमेंट करेगा आपके वीडियो पे तो हर कोई देख सकता है। ओके, लेकिन अगर आप जो यहाँ पे इस पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, वो रिव्यू में चला जाएगा, कोई जल्दी जो है नहीं देख सकता है। उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन सा आपको अच्छा लगा है। अगर कमेंट आपको चाहिए होता है जो, अगर ये सोच रहे हैं कि हर कोई देख सकता है तो फर्स्ट वाला पे क्लिक करना, अगर आप हाइड करना चाहते हैं तो नीचे वाला पे क्लिक करना, नीचे वाला न्यू चैनल पे बेस्ट रहता है। ओके, सो आपको इस तरह से देखने को मिलेगा रिस्पॉन्स स्टेटस। सो यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट वाला पे आपको टिक लगा हो रहा है जो है रहने देना है। अगर यहाँ पे आपको रिस्पॉन्स विथ न्यू रिप्लाईज का ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा, सो ये सब पे आपको कहीं आई रिस्पॉन्स पे आपको क्लिक करना है, यहाँ पे इस पे आपको टिक करना है बीच वाला पे। ओके, आई रिस्पॉन्डेड इस पे क्लिक करना है। अब यहाँ पे नीचे की ओर आप स्लाइड करते हैं, यहाँ पे देखने को मिलेगा सर्च फॉर, सो यहाँ पे आपको कीवर्ड सर्च करने का ऑप्शन आपको देखने को मिल रहा है, यानी कौन सा कीवर्ड आप जो है सर्च करना चाहते हैं जिससे कि आपके चैनल पे ज्यादा व्यूज आ रहा होता है। सो वो कीवर्ड देखिए आप जो है यहाँ पे टाइटल में भी आपको लगाना है। ओके, सो इस तरह से आपको भी कीवर्ड यहाँ पे आपको सर्च करने का ऑप्शन देखने को मिल रहा है, एंड इसी में आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे कंटेंट क्वेश्चन, एंड दूसरा आपको देखने को मिलेगा पब्लिक सब्सक्राइबर्स, इस पे आना है, पब्लिक सब्सक्राइबर भी आपको क्या करना है, क्लिक कर लेना है पब्लिक सब्सक्राइबर्स पे। ओके, उसके बाद आपको नीचे की ओर आ गए, यहाँ पे देखने को मिले सब्सक्राइबर काउंट,
सो यहाँ पे देख सकते हैं ये चीज आपको गाइस यहाँ पे ध्यान देना है। इस तरह से आपको यहाँ पे पूरा जो है ब्लैंक आपको देखने को मिलेगा, लेकिन यहाँ पे क्या करना है आपको यहाँ पे जो है 10K या फिर 1K, अगर आप न्यू चैनल ओपन किए हैं तो आपको यहाँ पे 1K या फिर 10K, इन दोनों ऑप्शन पे आप जो भी अच्छा लगे उस पर आपको टिक करना है। इस तरह करके टिक करोगे गाइस यहाँ पे फुल सेटिंग आपको कर लेना है यहाँ पे इस तरह से। फिर से एक बार आपको देख लेना है कि पूरा सेटिंग आप किए या नहीं किए। अब इसके बाद क्या करना है, नीचे की ओर आपको देखने को मिले अप्लाई का ऑप्शन, बस इस पे आना है, अप्लाई पे आपको क्लिक कर लेना है। सो गाइस न्यू चैनल पे ये काम आपको करना होता है। इसके बाद जो है कीवर्ड लगाने का रहता है, जो कि जो है उसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो अपलोड किया हूँ, इसी चैनल पे जरूर देख लेना। ये काम अगर आप गाइस कर लेते हैं अपने शॉर्ट चैनल पे तो आपके शॉर्ट चैनल पे बहुत ही अच्छा खासा व्यूज यहाँ पे आने लगेगा। सो ये काम कर लेना है, उसके बाद आपको क्या करना है एप्लीकेशन को एक बार अपडेट जरूर कर लेना है। सो गाइस ये सेटिंग आप पहले किए थे या नहीं किए थे कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके जरूर बताना। आप जो है कितने दिन से यूट्यूब पे काम कर रहे हैं ये भी कमेंट पे जरूर बताना। अगर आप एक न्यू यूट्यूबर हैं तो यूट्यूब से रिलेटेड हर एक चीज आपको सीखना है जानना है। सो मेरे इस चैनल पे हर एक चीज आपको यहाँ पे सीखने को मिल रहा होता है, जो ऑलरेडी वीडियो अपलोडेड है उसे जरूर देख लेना, काफी कुछ आपको सीखने को मिलेगा। या फिर अगर आपको यहाँ पे कुछ भी प्रॉब्लम हो रहा है बिंदास आप कमेंट कर सकते हैं। सो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक जरूर करके रखिएगा, और किसी भी अपडेट पे जो भी अपडेट यहाँ पे लेके आ रहा हूँ उस चीज को देखिए, और वो जो सेटिंग बता रहा हूँ उस चीज को जरूर आप कीजिए न्यू चैनल पे। ओके सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। कमेंट आप जरूर करना कि आप ये सेटिंग किए थे या नहीं, या फिर कितने दिन से आप यूट्यूब पे काम कर रहे हैं।